नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पर। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके ही प्यार से होकर कल मैं यहाँ तक आई हूँ और चाहती हूँ आप अपना प्यार से हो आगे भी बना के रखें। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लाई हूँ और ये है कवाच की सब्ज़ी। और ये कवाच हमारे यूपी बिहार में मिलता है, मुझे नहीं पता आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं या क्या कहते हैं। ये सेम की प्रजाति की है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और कैसे बनता है। आइए दोस्तों, आज मैं बिल्कुल सिंपल सी सब्जी लेकर आई हूँ और ये होता है हमारे गांव में, तो इसे हम कहते हैं कवाच। तो मैं दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये सेम की प्रजाति है, तो ये गांव में होता है, कवाच बोलते हैं। और ये खुले हाथों से नहीं छूते वरना हमारे हाथों में इससे खारिश हो सकती है। तो ये कवाच और ये आलू, हम इन दोनों को उबाल लेते हैं। आलू अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप आलू उबाल सकते हैं ज़्यादा, और नहीं तो कवाच की सब्जी ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है। इसे सूखी और ग्रेवी वाली दोनों बनाई जाती है, पर मैं आज बिल्कुल सूखी सब्जी बनाऊंगी इसकी। तो चलिए इन दोनों को उबाल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आप चाहें तो सिर्फ कवाच भी उबाल सकते हैं, आलू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम उबाल लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने उबाल लिया है और इसको किस तरीके से हम छीलते हैं मैं एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे और ये जो हिस्सा है, देखिए मेरे हाथ काले हो जाते हैं इसको छीलने से, जो नाखून वगैरह हैं, तो घबराइएगा मत। ये देखिए, इसको छील देना है इस तरीके से चारों तरफ से। पूरा उतार देंगे और अंदर से भी खोलेंगे। काफ़ी लोग जो हैं वो ये जब नाजुक होता है तभी इसको बनाते हैं, तो वो सिर्फ ऊपर से ही कवर हटाते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं तो हम लोग इसको इस तरीके से बनाते हैं। पकने के बाद ही मैं बना रही हूँ, इसका ज़्यादा स्वाद आता है, जो कच्चे होते हैं उसका इतना स्वाद नहीं आता। तो मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से, इसको हम बीज से खोलेंगे और बीज को हम रखेंगे एक तरफ। ये देखिए, और ये एक और इसके अंदर से छिलका निकलेगा। ये देखिए, इस तरीके से जो है हम निकाल लेंगे। आप चाहे इसी तरह लंबा लंबा रखें या दो टुकड़ों में कर दें, या आपकी इच्छा पर। तो चलिए हम इस तरीके से सभी को छील लेते हैं और आलूओं को भी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मसाले। तो चलिए, जब तक छिल रहा है मैं मसाले भी दिखा देती हूँ। इसमें नॉर्मली प्याज के तड़के वाली बनती है, तो इसके लिए मैंने लिया है प्याज, और लिया है मैंने तेज पत्ता, ये लाल मिर्च तड़के में जाएगा, और ये गरम मसाले मैंने लौंग इलायची कूट लिया है, ये जाएगा, थोड़ा सा धनिया पत्ता, हरी मिर्च, इसको आप ऐसे रखिए, चाहे बीच से चीरा लगाइए या छोटे छोटे काटिए। ये है अदरक, अदरक की मात्रा कम है और लहसुन की ज़्यादा। तो प्याज को हम भूनेंगे और साथ में हम और दिखाते हैं सामान। और साथ में मसाला लेंगे हम हल्दी, काली मिर्च, जीरा। काली मिर्च जीरा मैं इकट्ठे पीस के रख लेती हूँ। साथ में लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, और लेंगे हम टमाटर। हल्दी ज़रूरी है कलर के लिए। और साथ में लेंगे हम सरसों तेल, और साथ में लेंगे हम ज़रूरत अनुसार पानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और डालते हैं इसमें तेल। आप जो खाते हैं तेल वो डालें, मैं सरसों में बनाती हूँ, मुझे पसंद है, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है दोस्तों। तो चलिए इसे गर्म हो जाने देते हैं। तो ये हमारा तेल गर्म हो गया और इसमें डालेंगे हम तड़का। और तड़के के लिए मैंने लौंग, दो इलायची, थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा मैंने कूट के रखा था, और डालेंगे दो प्याज और दो मिर्च। मिर्च की जो तड़के होती हैं वो बहुत ही खाने को स्वाद बन दे दे तड़के का। सॉरी दोस्तों, कुछ बोलने में मिस्टेक होता हूँ। तो मिर्च मैं डालती हूँ ताकि इसका सौंधापन बढ़ जाए। तो अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। अब हम इस प्याज को कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। तो
चलिए प्याज का रंग चेंज होने लगा है, तो अब मैं इसमें एक एक करके सभी मसाले डालूंगी। तो सबसे पहले हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हैं। लहसुन डाल दिया मैंने, अदरक डाल दिया है, मैंने कूट के डाला है, आप चाहे तो इसे पीस के डाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी भून लेते हैं कुछ देर, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब इसमें हम डालते हैं मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें हल्दी, धनिया पाउडर 2 चम्मच, ग्रेवी के ऊपर है आप दोस्तों जितना ग्रेवी गाढ़ा रखना चाहते हैं प्याज और धनिया पाउडर मात्रा बढ़ाते हैं। 2 से 3 चम्मच में डालूंगी नमक, हमेशा अपने स्वाद अनुसार रखें, और लाल मिर्च। तो मैं नमक अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ 1 चम्मच, और लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 चम्मच, काली मिर्च जीरा 1/4, और साथ में मैं डालूंगी कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये देखिए दोस्तों, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा नहीं होता है, और तीखापन के लिए मैंने मिर्च डाल दिया है, काली मिर्च जीरा भी डाला है और हरी मिर्च भी डालेंगे। तो सोचते हैं इसके मसालों में मिर्च का यूज करें, और इन आवाज़ों पे ना जाए, मेरा पोता छोटा है तो वो हमेशा तंग करता है मोबाइल और लाइट के लिए। तो चलिए इसे भून लेते हैं मसालों के पकने तक, या तेल के कढ़ाई में ऊपर आने तक। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गई थी टमाटर और हरी मिर्च डालना, ये मैं डाल रही हूँ। चलिए इसे भून लेते हैं, बीच में लगातार चलाते हैं, अगर लगे मसाला जल रहा है तो आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं, मैंने पानी डाल दिया थोड़ा सा। चलिए इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा लगभग हो गया है, ये मीडियम आंच पर मैं मसाले को भून रही हूँ, टमाटर गल गए हैं, और आप किनारे पे देख रहे होंगे कि तेल आ गया, इसी को कहते हैं तेल आना। तो अब मैं इसमें दिखा रही हूँ आपको, मैंने ये देखिए, मैंने आलू कवाच और उसके बीज को कर लिया। मैं इसको आलूओं को काट के डालूंगी या तोड़ के हाथों से, जैसी मर्जी हो, और इसको इसी तरीके से डालूंगी। तो चलिए हम इसे डाल लेते हैं, इसमें ये डाल देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। अगर लगे हमें कि मसाला लग रहा है नीचे, तो हम थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे, मैं पानी ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको चला लेते हैं अच्छी तरीके से, आप इसमें मिक्स कर लेते हैं इसको। ये मैंने मिक्स कर लिया, मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी जो मेरे मसाले के थे वो पानी, और इसे मीडियम आंच पे ही बनाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, और इस पानी के साथ कम आंच करके मैं 5 से 10 मिनट इसे पका लूंगी पानी के सूखने तक। तो चलिए इसे ढक के बीच में चलाते हुए 5 से 10 मिनट पका लेते हैं, यानी जब तक हमारा ये जो पानी दिख रहा है ये सूख ना जाए। चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं, अभी पानी है, जैसे मैं कह रही थी कि पानी के सूखने तक हम इसे बनाएंगे। आँच तेज नहीं रखेंगे, कम ही रखेंगे, और कम ही आँच पे इसे पकाएंगे, ताकि मसाले हमारे आलू और कवाच में चला जाए। तो चलिए इसे ढक देते हैं, और अभी थोड़ा और पका लेते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हो चुका है लगभग 5 मिनट हो गया मुझे इसे मसालों के साथ पकाते हुए। तो और 2 से 3 मिनट पकाती हूँ, अगर पानी लगे कम है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो सब्जी उतारनी है इसी इतने ही गाढ़े ग्रेवी पे उतारनी है। तो चलिए इसे पका लेते हैं। तो आइए, ये हो चुका है, और अब मैं डालती हूँ धनिया पत्ता, और थोड़ा सा रखूँगी धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए। तो इस टाइम मैं डाल देती हूँ, मैं इसकी धनिया की डंडियों को नहीं फेंकती हूँ, कि जितना खुशबू डंडियों में होती है उतने पत्ते में नहीं होती है। तो आप धो के और इसे इस्तेमाल करें, जब मसाला भून रहे हो तो बहुत अच्छा खुशबू आता है। तो चलिए इसे बंद करते हैं, और ये हमारे सर्व के लिए बिल्कुल तैयार है कवाच की सब्जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया कवाच का सब्जी। तो अब हम इसे थोड़ा से गार्निश करते हैं धनिया पत्ता से। तो ये है, ये बिल्कुल देहाती सब्जी है, बनाइए अगर आपको इस तरीके से कवाच मिलता है कहीं तो, और बनाइए खाइए। और आपका भी कोई तरीका हो, या आपके गांव में बनता है ये कवाच, या इसको क्या बोला जाता है कवाच के अलावा, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कवाच का सब्जी बनके तैयार है। आपका भी कोई तरीका हो बनाने का कवाच का सब्जी तो मुझे ज़रूर बताइए। मुझे पता है ये शहरों में नहीं मिलता है, ये सिर्फ गांव देहात में ही मिलता है। आपके तरफ कवाच को क्या बोला जाता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ। तो नमस्कार, धन्यवाद।